किस्मत जुरअत ओ हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम्बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसलत में गए बग़ैर बराह रास्त ख़बरों की जानिब और तबसरों की जानिब बढ़ूँगा। उससे पहले वही जो आप लोगों से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो दें। नीचे तफसलत हैं, उस पर जो है आप लोग ध्यान देकर के इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन गिरामी, आज सबसे पहले हम बात करेंगे हिरा कल्चरल कॉलोनी की, जो कि मक्का मुकर्रमा आने वालों के लिए एक नया तजुर्बा है। दरअसल मक्का मुकर्रमा के अंगूर के बाग के बुलंद पहाड़ों के दरमियान और गारे हिरा के करीब हिरा सकाफती कॉलोनी बनाई गई है। इस कॉलोनी में अजायब घरों और नुमाइशों का एक मजमुआ मौजूद है, जो ज़ायरीन के मजहबी और सकाफती तजर्बे को बेहतर बना देता है। यहाँ एक वही गैलरी और कुरान करीम का एक म्यूज़ियम भी मौजूद है, जो आज एक सकाफती सयाहती निशान बन गया है। इस कॉलोनी की निगरानी रॉयल कमीशन बराए शहर मक्का व मुकद्दसात करता है। 67,000 मुरबा मीटर पर मुहित हिरा कल्चरल कॉलोनी में मुख्तलिफ हिस्सों में पहाड़ और गार की एक तारीख बयान की जाती है। यहाँ आने वाले म्यूज़ियम ऑफ होली कुरान, वही गैलरी, गार में चढ़ने के रास्ते और ज़ाहिर मरकज़ को देखकर अपने मजहबी और सकाफती तजर्बे को मज़ीद कीमती बना लेते हैं। हिरा कल्चरल कॉलोनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि वही की नुमाइश को गार हिरा से मुंसलिक किया गया है। इस नुमाइश में गार हिरा में पहली वही के नज़ूल की कहानी बयान की गई है। नुमाइश की पहली वही के नज़ूल के वाक़े को पुरकशिश अंदाज में पेश किया गया है, जिसमें हज़रत खतीजा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के किरदार भी मौजूद हैं। हिरा कल्चरल कॉलोनी ने कुरान मजीद के म्यूज़ियम और इस मंसूबे के अहम अज़्ज़ा पर भी तवज्जो दिलाई और कहा कि इस म्यूज़ियम का मकसद दुरुस्त मवाद और टेक्निकों से कुरानी नुस्खों के वसीअ निज़ाम को मुतारिफ कराना है। इस सकाफती कॉलोनी में तिजारती सहूलियात भी मौजूद हैं, रेस्तरां और कैफ़े मौजूद हैं, जहाँ पर लजीज मकामी और बैनुल अक़वामी पकवान और मशरूबात पेश किए जाते हैं। शहर और मकाम से मुतालिक ताहिब भी ख़रीदे जा सकते हैं। गार हिरा वाले इस पहाड़ के साथ मुख्तलिफ किस्म के अशिया के स्टोर्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, गार हिरा एक खला है जिसका दरवाज़ा शिमाल की तरफ है। चार हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और तीन चौथाई हाथ चौड़ा है। इसमें एक मोटा आदमी बैठ सकता है, एक मोटा आदमी खड़ा हो सकता है, चंद आदमियों की गुंजाइश है। गार के अंदर का रुख खाने काबा की तरफ है। जबल नूर से मक्का मुकर्रमा की छतों को देखा जा सकता है। पहाड़ मस्जिद हराम से लगभग 10 किलोमीटर के फासले पर है जबल नूर, और मौजूद गार हिरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी, और इसी के सिलसिले में ये सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर म्यूज़ियम के साथ समझाने की कोशिशें हुए हैं जो ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। लिहाजा जो है आप भी अगर उम्रे का इरादा करते हैं, यहाँ का सफ़र करते हैं, तो ज़रूर जो है इस जानिब जा कर के अपने ईमान में ताजगी पैदा करें। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से अमानतदारी का सबूत जब पेश किया जाता है या एक बड़ी रकम मिल जाती है तो इनाम के तौर पर कुछ ना कुछ नवाजा जाता है और ख़बर सुर्खी बन जाती है। लेकिन जब बहुत बड़ा आपको कुछ मिले और आप लौटाए और फिर कंजूस आदमी की जानिब से वापस भी कुछ ना मिले तो फिर वो ख़बर भी सुर्खी बन जाती है। ऐसी एक खबर आ रही है उम्मान म्यूनसिपालिटी से, किसी की कोई चीज़ गुम होने पर वापस मिलने की सूरत में वापस लाने वाले शख्स को इनाम इकराम से नवाजा जाना जाहिर सी बात है, मगर उम्मान में एक कंजूस शख्स ने कूड़े से $30,000 की रकम तलाश करके लाने वाले एक खाकरूप को सिर्फ 10 दिनार इनाम दिया, जिस पर वो बहुत मायूस हुआ। दारुलहुकूमत उम्मान में कुवैसमा के इलाके में एक शॉपिंग मॉल के मूल्य के तकरीबन $30,000 गुम हो गए थे। ये रकम माल के खाकरूप 9 टन कचरे से मिली, जो उसने पूरी ईमानदारी के साथ उसके मालिक तक पहुँचा दी, मगर कंजूस शख्स ने खाकरूप को सिर्फ 10 दिनार इनाम दिया। माल का पूरा बोझ, जिसका वजन 9.8 टन कचरे के बराबर था, कुवैसमा के नहारिया मोहल्ले में वाक़ असप्त मार्केट यार्ड में उतारी गई। उतारने का अमल 3 मरलों में हुआ। तलाशी का अमल 3 होम वर्कर्स ने माल के मालिक, उसके मुलाजिमीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में शुरू किया था और तलाश हुई। खाकरूप खलील तौफीक ने इस रकम पर सदमे का इजहार किया, जिससे उसे नवाजा गया।
उसने कहा कि कूड़े करकट से जिसने रकम की तलाश अपना ड्यूटी टाइम ख़त्म होने के बाद भी की थी, मगर रकम के मालिक ने उसे बराए नाम पैसे दिए, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो नाज़रीन गिरामी, माल के मालिक के रकम जो है लापता होने के बाद उसको ढूंढने के लिए इन मुलाजिमों को लगाया गया था, और मिले भी मुमकिन है उसको, जो है ये लोग छुपा भी सकते थे, लेकिन अमानतदारी के साथ उन्होंने लौटाया तो उसका इनाम बहुत कम मिलने की वजह से खबर सुर्खियों में आई। नाज़रीन गिरामी, तुर्क सदर का एक बयान सामने आया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह किया है कि तुर्किया का पहली जंगी ड्रोन बायर उक्तार किजिल एलमा एक माह के अंदर अपनी परवाजें शुरू कर सकेगा। सद एर्दोगान ने सामसोन शहर में नौजवानों से मुलाकात की थी। मुल्क में फखरिया मनसूबों में जगह पाने वाले नौजवानों के साथ एकजा होने पर अपनी मसरत का इजहार करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल तुर्किया सदी की तैयारी में अहम तरीन ताकत का मंबा है। तुर्किया कौमी सनत के अब एक नए मरहले में होने का इजहार करने वाले जनाब एर्दोगान ने बताया कि जब हम बरसरे इख्तदार आए थे तो हमारी दिफाई सनत का 20% मकामी मसनूआत पर मुश्तमिल था, जो कि अब 80% तक मकामी बन चुकी है। यानी दिफाई सिस्टम 80% सिर्फ तुर्की में तैयार किए जा रहे हैं। अब हम अपनी ज़रूरियात को ख़ुद पूरा करने के अहल बन चुके हैं। F-16 तैयारों का साजो सामान हम बजात खुद तैयार कर रहे हैं और मिज़ाइलों की पैदावार का अमल भी शुरू हो चुका है। तुर्किया की मिज़ाइल पैदावार से यूनान के खौफ खाने पर जोर देने वाले सद एर्दोगान ने बताया कि यूनान टाइफून नामी मिज़ाइल से खौफजदा है। उसको डर यह है कि मिज़ाइल एथेंस को निशाना बना सकता है। अगर आप सुख चैन से नहीं बैठेंगे तो यकीनन निशाना बनाएगा। आप अपने जज़ायर को अमरीकी और दीगर असलहा से लेस करेंगे तो क्या आपके ख्याल में तुर्किया खामोश तमाशाई बना बैठा रहेगा? हमारे नौजवान इन हरकतों का जवाब देने की सलाहियत और काबिलियत रखते हैं। तो इस तरह से दिफाई सिस्टम में जिस तरह से तुर्किया तरक्की करता जा रहा है, और सबसे पहला किजिल एलमा जंगी ड्रोन एक माह के अंदर परवाजें शुरू करने की जो खुशखबरी उन्होंने दी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की इस वक्त किस कदर दिफाई सिस्टम में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, सेल्फी लेना और टिकटॉक पर कभी कभी कुछ वीडियोस बनाना वो बड़े मुसीबत का जो है बाइस बन जाता है। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कुछ रोज़ से तालिब इल्म अहमद खालिद की कहानी की गूंज सुनाई दे रही है। अहमद खालिद टिकटॉक चैलेंजेस में एक संगीन चैलेंज में दाखिल होने के नतीजे में अपने आप को माजूर कर बैठा है। रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचने की वजह से उसका पूरा जिस्म मफलूज ज़रा हो गया। इस वाक़े ने मिस्री नौजवान में खौफ की लहर फैला दी है। तालिब इल्म की कहानी टिकटॉक ऐप पर थ्रो योर फ्रेंड चैलेंज को आजमाने से शुरू हुई। अहमद ने स्कूल के दोस्तों के साथ इस चैलेंज को पूरा करने की हामी भर ली। दोस्तों ने अपने अपने मुंतखब दोस्त के गिर्द दायरे की शक्ल में जमा होकर उसे हवा में उछाल दिया और ज़मीन पर गिरने दिया। आजमाना यह था कि कौन कितना मजबूत है। जिसको सबसे कम नुकसान होता है वो जीत मुकाबला जीत जाता है। ताहम दोस्तों की उम्मीद के बरक्स मिस्र के जूडो चैम्पियन अहमद खालिद इस ख़तरनाक चैलेंज को कबूल करके माजूरी का शिकार हो गया, क्योंकि अहमद की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया और रीढ़ की हड्डी में कट लग गया, जिसकी वजह से उसे पूरे जिस्म का फालिज हो गया। तो नाज़रीन गिरामी, किस कदर ख़तरनाक चीज़ों का जो है वीडियो बना करके लोगों के सामने पेश करने के लिए चैलेंजेस होते हैं, और हवा में उठा कर के किसी को नीचे फेंकना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये मिस्री लड़का अब जो है माजूर हो गया। और टिकटॉक में ऐसे जुनूनी लोग हैं, पहले सेल्फी का जुनून होता था, आजकल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है करतब दिखा करके टिकटॉक में एक 30 सेकेंड 40 सेकेंड की वीडियो बना करके अपलोड करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और ये सारे सानहे पेश आते हैं। इससे ख़ुद भी बचने की ज़रूरत है और जो है अपने औलाद को भी बचाने की ज़रूरत है। इधर नाज़रीन गिरामी, मिस्र में सोने के जेवरात बनाने वाली कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी के साथ हीरों, कीमती पत्थरों और स्मगल शुदा सोने के जेवरात की तजारत के इल्ज़ाम में एक नया हैरानकुन इंकशाफ सामने आया है, और वह है मुलजिम के साथ एक उससे भी ज़्यादा पुरअसरार शख्स की मौजूदगी। काहिरा 24 नामी वेबसाइट के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि दूसरा मुलजिम मिस्री शहरी है, जिसने 10 साल तक एक लबनानी शख्स का सॉन्ग रचाए रखा और इस तरह तकरीबन 100 ममालिक का सफ़र किया। मुलजिम सोने और कीमती जेवरात की मिस्र से बैरून मुल्क और बैरून मुल्क से मिस्र में स्मगलिंग के जरिए तिजारत में भी मुलव्वस रहा है। ये बात भी सामने आई है कि मुलजिम ने 10 साल तक हीरों के जुड़ाव जेवरात की स्मगलिंग की है, और सोने के ताजरों के दरमियान वो अपने लबनानी होने की तस्वीर करता रहा है और अपने आप को गोल्ड व्हील कहलवाता रहा है, यानी कि सोने की व्हील। मुलजिम ने सिक्योरिटी सर्विस के सामने इतराफ़ किया कि मिस्र और लबनान के माबेन सोने का कारोबार करता रहा। मिस्री होने के बावजूद लबनानी बनकर की 100 से ज़ायद ममालिक में उसने घूमा
और स्मगलिंग करता रहा। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि काहिरा के हवाई अड्डे पर अपने आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी सर्विस की नज़रों से बचने के लिए उसने एक लबनानी का रूप धार लिया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह से जो है इस वक्त जो स्मगलिंग होती है एक दूसरे मुल्कों में फैलाने के लिए, किस तरह शनाख्त वगैरह बदला जाता है, ये खबर जो है मिस्र और सऊदी अरब में और मुख्तलिफ, चूँकि 100 से ज़ायद ममालिक को लबनानी बनकर किस मिस्री नौसरबाज ने घूमा था, तो खबर जो है खलीज ममालिक अरब ममालिक के अलग अलग वेबसाइट में मुख्तलिफ सुर्खियों के साथ छप गई। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, इधर भारत की खबर, जो मुस्लिम खवातीन को ऐप के जरिए से उनको सुल्ली डील्स के नाम पर बेचने की जो कोशिशें हुई, फरोख्त करने की जो कोशिश हुई और मुख्तलिफ उसमें इश्तहार लगा करके मुस्लिम खवातीन और लड़कियों को जो जिस तरह से उनकी अलग अलग नाम और वगैरह इस्तेमाल करके बेइज्जत करने की कोशिशें हुई, इस सिलसिले में ठाकुर जिसकी उम्र 26 साल है उसको मालूम है कि इसके खिलाफ क्रिमिनल जो है केस दर्ज किया गया था और मुख्तलिफ ऐप के ज़रिए से जो है इसने लगातार जो है खवातीन को निशाना बनाने की कोशिश की थी, मुस्लिम खवातीन को। मध्य प्रदेश के इंदौर के IPS एकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाला बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA में पढ़ रहा ठाकुर ने जो है अपने मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मिलकर के ये सुली डील्स एप्लीकेशन बनाया था और ट्विटर हैंडल के ज़रिए से जो है उसने अलग अलग तरह के मुख्तलिफ खवातीन मुस्लिम लड़कियों की फ़ोटोज़ वगैरह लगा करके हराज करने की कोशिश किया था, फरोख्त करने की कोशिश किया था, बोली लगाने की कोशिश किया था। इस सिलसिले में दिल्ली के जो है गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने जो है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपनी मर्ज़ी का इजहार किया, यानी उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है ओमकारेश्वर ठाकुर के ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाए, इसलिए कि सुल्ली डील्स के ज़रिए उसने एक ख़तरनाक जुर्म इख्तियार किया है। नाज़रीन गिरामी, UP में किस तरह से जराइम बढ़ चढ़ कर के, आज सुबह भी हमने प्राइम टाइम में दिखाया था एक बहादुर लड़की ने अपनी नानी के साथ मिलकर के किस तरह से जो है, अब एक और गाज़ियाबाद से ख़बर आ रही है कि घर के बाहर धूप सेंक रही है खातून को दिन दहाड़े बदमाशों ने पिस्तौल दिखा करके लूट लिया है और CCTV कैमरा में फुटेज महफूज हो गई है। तो ये मंज़र आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो ये दावा किया जाता है कि UP में बहुत तरक्यात हो रहे हैं, जराइम का ग्राफ नीचे गिर रहा है, यहाँ तो दिन दहाड़े घर के बाहर धूप सेंक रही खातून भी महफूज नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दावे किए जाते हैं सरकारी सतह पर वो कितने झूठे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर RSS के मोहन भागवत ने अपना अलग राग अलापा है और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के हर गांव में RSS की एक शाख होनी चाहिए, उसके हर रुकन को मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। यहां संघ की आसाम यूनिट के कारकुनों के कैंप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि इख्तलाफात के बावजूद तमाम लोगों की तरजीह कौम हो। RSS के एक बयान के मुताबिक भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में एक शाखा होनी चाहिए क्योंकि मजमूई तौर पर समाज ने उन्हें यानी शाखा को उसके लिए काम करने का मौका दिया, इसलिए रजाकारों को आगे बढ़कर माशरे की क़ियादत करनी चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है RSS की विंग्स को बढ़ाने की, अलग अलग शोबाजात को बढ़ाने की तैयारियाँ हो रही हैं और क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। और ये RSS और संघ परिवार के लोग माशरे में क्या कुछ कर रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने है। मुझे इजाज़त है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।